दोस्तों डीएस बेंजो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छे एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों कि बेंजो में की तार कैसे मिला है और पियानो और हारमोनियम ये सब इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा ही अलग है बेंजो। आज उसी के मामले में थोड़ा बात करेंगे दोस्तों कि आपको प्रोग्राम में जाने से आपको सही जगह कहाँ से मिलेगा जो सब स्केल आपको बजाते बन जाएगा, है ना। तो उसी के बारे में वीडियो है ये, आप वीडियो के अंत तक बनिए दोस्तों। हमारे चैनल में आप नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं दोस्तों आप लोग का कमेंट का हर सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी समय कंटिन्यू प्रोग्राम होते जा रहा है मेरा, इसी कारण मैं आपका कमेंट का थोड़ा कम रिप्लाई कर पा रहा हूँ। जो मेरे से बन रहा है, जो मेरे को सरल लग रहा है, उसका मैं तुरंत तुरंत रिप्लाई करते जा रहा हूँ दोस्तों। बाकी आपका भी कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। मैं थोड़ा भी जहाँ भी समय मिल रहा है आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाते जा रहा हूँ दोस्तों, है ना। आइए वीडियो के अंत तक बनी रहे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमारे बेंजो के जो तार है, ये जो तार है इसको मिलाया है हम लोग सी शार्प में, ना काली एक बोलते हैं उसको, सी शार्प है ना दोनों तार को। और झालर हम मिलाए हैं प स ग प, है ना, चार झालर अपने बेंजो में, ठीक है। सबसे पहले एक पियानो अलग होता है ना, पियानो और हारमोनियम दोनों सेम रहते हैं, बट पियानो में क्या रहता है जो मंद्र सप्तक रहता है उधर ना कॉर्ड के प्रकार रहता है ना। अभी जो नया कीबोर्ड आ गया है उसमें जो तार मंद्र सप्तक रहता है उधर ना कॉर्ड दे दीजिए, है ना, ठीक है, तो वो अलग हो गया। और हारमोनियम क्या है, उसको हल्का वो ध्वनि करना पड़ता है ना, वो इसी वजह से उसको आवाज़ आता है। तो हारमोनियम और बेंजो में थोड़ा ही फर्क है, उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वो हो गया है कि वो कीबोर्ड है ना, और हारमोनियम जो है बिना इलेक्ट्रॉनिक है, और बेंजो जो है हमारा तार वाला है ना, जहाँ से स्टॉक करेंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगा, तो ये आपके लिए है ना। और रहा उसका बटन के सवाल, तो बटन हारमोनियम और कीबोर्ड का दोनों सेम है और बेंजो में अलग है थोड़ा सा, आपको पहचानना रहेगा, है ना। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप इस जगह से आप सभी गाना को हमको बताते हो, तो बाकी जो हमारे और यूट्यूबर हैं भाई लोग, वो लोग यहाँ से बजाते हैं, कई लोग यहाँ से बजाते हैं, कई लोग यहाँ से बजाते हैं, तो कई लोग सजेशन ये करते हैं कि यहाँ से आपको बेंजो बजाना चाहिए। इम्पोर्टेंट यहाँ से बजाना या यहाँ से बजाना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको सभी जगह से बजाना आना चाहिए बेंजो को, इम्पोर्टेंट ये है ना। आज उसी के बारे में आज ये हमारा वीडियो है दोस्तों कि बेंजो की सही जगह कहाँ पास है। आप प्रोग्राम में जा रहे हो तो सिंगर जो है कहीं भी से गाना गा सकता है, उसकी मर्जी रहेगा। आप एक इंस्ट्रूमेंट वाले हो, आप एक कलाकार हो, तो आपको कहीं भी से बजाना पड़ेगा, जो बोलेगा वो, है ना। तो उसी के बारे में वीडियो था। तो सबसे पहले हमारा वीडियो चालू होता है, सबसे पहले ये देखो हमारा कीबोर्ड में क्या रहता है, ये काली एक जो काला काला जो रहता है ना, ये है काली एक जो सी शार्प बनेगा, है ना, और एक काली दो जो बनेगा डी शार्प, ये बनेगा काली तीन जो बनेगा एफ शार्प, ये बनेगा जी शार्प, एक कीबोर्ड और हारमोनियम में लागू होगा, है ना, और ये बनेगा ए शार्प, है ना, कीबोर्ड में और हारमोनियम में। हमारे बेंजो में क्या नियम है, हम बेंजो में अगर सी शार्प में हमारा बेंजो सेट कर रहे हैं, आपका बेंजो याद रखना कि इस पैटर्न में रहना चाहिए, बेंजो दो पैटर्न में बनता है ना। तो हमारा जो है 29 रीड का बेंजो है, 29 इंच का भी वो भी बेंजो रहेगा, लेकिन दूसरा पैटर्न रहेगा। अगर ये पैटर्न आपका बेंजो में मिला के देख लेना, हमारे स्क्रीनशॉट ले लेना ये बेंजो का, अगर ये पैटर्न का आप बेंजो बजा रहे हो, है ना, ये पैटर्न का, तो ये पैटर्न के बेंजो बजा रहे हो, तो आप बेंजो को अगर सी शार्प सेट कर रहे हो, तो हम आपको सभी जगह के सरगम बजा चुके हैं, बता चुके हैं, है ना, सभी जगह के, है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका सरगम बता चुके हैं पूरा क्लियर। तो यहाँ से आप सी शार्प में सेट कर रहे हो तो इस जगह बनेगा जो आपको सभी गाना और सभी राग और सभी अलंकार आपको प्रैक्टिस कराए हैं हमारे चैनल में, तो सभी गाना ये बनेगा सी शार्प, ये बनेगा, है ना। आपको मैं एक ट्यूनर दिखा देता हूँ, पिछला करके एक ट्यूनर है, उसको मैं अभी आपको मिला के दिखा देता हूँ, एक बार और बता चुका हूँ, लेकिन एक भाई का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था
और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है उसका, इसी कारण ये वीडियो फिर से आपको बना रहा हूँ दोस्तों, है ना। ये दोस्तों ये पीच लैब करके ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है जो बेंजो के लिए प्रॉपर अच्छा, बहुत अच्छा काम की चीज़ है ये, जो बिगनर लोग हैं इसके लिए, है ना, ये बहुत अच्छा काम की चीज़ है। ये हमारा बेंजो भी है सी शार्प में, है ना, आप देख सकते हो सी शार्प में जो हर ग्रीन कलर का जो लकीर जा रहा है वो सी शार्प है ना, मोटा तार भी है सी शार्प में। अब हम बेंजो सेट किए हैं सी शार्प में, तो एक भाई का कमेंट आया था कि आप इस जगह से बता रहे, तो कि इस जगह का बताने के कारण ये है कि बहुत सारा सिंगर जो लेडी सिंगर रहते हैं वो काली एक में ही ज़्यादा गाना गाते हैं, मतलब सी शार्प में ज़्यादा गाना गाते हैं, तो मैं इसी कारण इस जगह का सरगम और इस जगह का पोजीशन, और हमारा बैंड पार्टी छत्तीसगढ़ में जो चलता है धुमाल, उस जगह से भी इस जगह में अगर गाना हम कंटिन्यू कर बजाते रहेंगे तो हमारा हाथ अच्छा चलेगा, इस जगह से हम अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो हमारा हाथ उतना चल नहीं पाएगा ना, इस जगह से ये बनेगा जी शार्प हमारा बेंजो में, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, सभी जगह का आपके सरगम बता चुके थे, तो यहाँ से हम प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो हमारा हाथ बहुत फाइन चलेगा, ये बनेगा सी शार्प। अब इस सी शार्प में धुमाल भी सेट कर सकते हो, अब स्टेज प्रोग्राम में भी बजाने जाओगे तो सी शार्प में सेटिंग करके ये आपको पूरा कंटिन्यू आपको सरगम पता चल जाएगा, पता चल चुका है पहले से, ये बनेगा सी शार्प, ये बनेगा डी शार्प, और ये प बनेगा जी शार्प, और ये बनेगा ए शार्प। ठीक है, बहुत आसान आपको सरगम है इस जगह का, अगर मेरे हिसाब से आप ये सेट करोगे इस पैटर्न में आपका बेंजो होगा, तो इस जो मतलब ये वाला जो है ना शुरू में आप सेटिंग कर सकते हो बेंजो को, बहुत अच्छा आपको आसान बजेगा बनेगा। 80% सिंगर लोग काली दो में, काली चार में, और काली तीन में, और काली दो में, ये तीनों चारों गाना में, मतलब ये गाना जो स्केल है इन नोटेशन में गाना गाते हैं, तो आपको बहुत आसानी पड़ेगा मेरे ख्याल से, आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, है ना। और मेरे ख्याल से 80% आप प्रोग्राम में जाते होंगे, मैं खुद कई बार जाता हूँ, तो जो एकदम लो कैटेगरी के जो सिंगर जो रहते हैं तो काली चार ही दबाइए, जी शार्प ही दबाइए बोलते, तो बेंजो में कैसे वो पैटर्न बन सकता, नहीं बन सकता पैटर्न, है ना। तो उनको आप दिखाने के लिए आप उनको अगर वो हारमोनियम बजा रहे हैं और उनको पता नहीं रहता कि बेंजो में कौन सा काली चार बढ़ रहा है, मतलब जी शार्प पे कौन सा बढ़ रहा है, उनके लिए तो क्या करें, आप उनको पहले आप जी शार्प का एक और दबाइए जी, उसके बाद हम बेंजो आपको मिला के दिखाएंगे ऐसा करके। अगर आप प्रोग्राम में जा रहे हो कोई भी इमरजेंसी में तुरंत वो गाना गाएगा तो आप बेंजो को तार मिलाते नहीं रह पाओगे ना, समय नहीं रहता, बहुत टाइम लगता है सब चीज़ मिलाने के लिए, तो परफेक्टली आप ना सी शार्प आप सेटिंग कर सकते हैं बेंजो को। सी शार्प आप सेटिंग करने के बाद कहीं भी इसे आप सिंगर कोई भी गाना गाए आप बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंगर को बिंदास बोल सकते हो कि आप गलत, अगर वो वहाँ से आउट हो रहा है, बेंजो परफेक्टली पता चलता है ना कि वो आउट हो रहा है ना, तो आप उनको बोल सकते हो। कई लोग क्या बोलते हैं कि आप काली चार नहीं दबाए हो, दूसरा स्केल दबाए बोलते, तो उनके लिए एक परफेक्ट आप उनको बोल भी सकते हो, है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है इन लोग को। अब उनको हमको बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे से अच्छा गाते बजाते हैं, हमारे वो आदरणीय हमको बुलाए हैं पैसा देके, तो उनके ही बात मानना पड़ेगा हमको, उनको कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन जो है ना आपको समझ आया होगा, बेंजो और हारमोनियम और ये तीनों अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, बस सुर अलग अलग निकल, मतलब बटन जो है अलग है ना, सुर एक ही निकलता है बट बटन अलग अलग जगह है, आपको उम्मीद है समझ आया होगा सभी जगह का। और बाकी पूरा हम लोग सभी जगह के सरगम आपको बता चुके हैं दोस्तों। आप ये पीच लैब करके ऐप है उसको डाउनलोड कर ही लेना, दूसरा काम नहीं करता ये जो पीच लैब है पुराना, यही काम अच्छा करता है। और प्रोग्राम में जाओगे तो आप सी शार्प में ही सेटिंग करना बेंजो को, तभी आप परफेक्शन बजा पाओगे। अगर आपके पास समय नहीं रहेगा, सिंगर कहीं भी से गाना गा सकता है। मैं एक जने भाई का वीडियो देखा था कि वो सजेशन दे रहे थे कि यही काली तीन बना सकते, यही काली चार बना सकते, काली दो काली तीन, मतलब जी शार्प सी शार्प डी शार्प सभी यहीं से बना सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए अपने पास समय नहीं रहता। तो उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनकी जगह में उनको सही लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा से आपको सभी जगह से सरगम बजाना आना चाहिए, क्योंकि उस जगह वैसे करने से आपका प्रैक्टिस भी होगा, हैंड भी अच्छा फाइन होगा, तो बेनिफिट रहेगा अपने लिए। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि दोनों इंस्ट्रूमेंट तीनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, बटन बस चेंजिंग है थोड़ा सा,
उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ, आप ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।